टाइप ऑफ वजाइना कितने प्रकार की होती है? वजाइना फीमेल योनि आखिर कितनी प्रकार की होती है? वैसे दो दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी 7 तरह के पीनस की और उनके विशेषताओं के बारे में आपको बताया था। कल जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको बताया कि 4 तरह के होते हैं फीमेल बट। हो सकता है आपने वो वीडियो देखे हो दोनों, और हो सकता है आपने नहीं भी देखे हो, नोटिफिकेशन आपको ना मिला हो और फिर बिजी है, सबकी लाइफ बिजी है, हर कोई थोड़ी ना रिया मल्होत्रा के चैनल को सर्च करने के लिए बैठा है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा और आपको देखनी है तो जाके रिया मल्होत्रा लेटेस्ट वीडियो करके अगर आप सर्च करोगे तो दोनों वीडियो निकलकर सामने आ जाएंगे यूट्यूब पे। एनीवे, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फीमेल वजाइना के बारे में कि 5 तरह की होती है महिलाओं की योनि और उसकी स्पेशलिटी के बारे में, उनकी खूबी के बारे में। आपके मतलब का वीडियो है, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। फीमेल बॉडी बिल्कुल एक जैसी होती है लेकिन उसकी जो अंगों की संरचना है वो दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। कामा सूत्र में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि जो फीमेल ऑर्गन है वो उसकी शारीरिक संरचना, उसके स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। और अब तो वैज्ञानिकों ने भी अपने रिसर्च में ये साबित कर दिया है कि जो फीमेल वजाइना होती है वो 5 तरह की होती है। एक एक करके मैं सभी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो नंबर 1, मिस कर्टेन। जैसा नाम वैसी वजाइना, ज्यादातर महिलाओं की जो वजाइना होती है बिल्कुल इसी शेप की होती है। नीचे से इसके हिस्से निकले हुए होते हैं, वजाइना के जो आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, नीचे के हिस्से एकदम पर्दे के परत जैसे होते हैं, निकले हुए होते हैं। इस तरह की वजाइना में या तो बाल बिल्कुल नहीं होते, एक आध बाल मिलेगा, या फिर होते हैं तो बहुत कम होते हैं। और अपनी इसी स्पेशलिटी की वजह से देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है। नाउ सेकंड इज मिस बार्बी। कई महिलाओं की जो वजाइना के भारी हिस्से होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। जो फीमेल बहुत ज्यादा पतली और दुबली होती हैं, उनकी जो वजाइना है ज्यादातर इस बार्बी शेप की होती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये वजाइना बहुत ज्यादा टाइट होती है, इसलिए किसी मेल को सेक्स के दौरान खासकर इन आउट करते हुए उसे बहुत ज्यादा प्लेजर महसूस होता है, क्योंकि एक मर्द को क्या चाहिए, टाइटनेस, और वो इस वजाइना में भरपूर होती है। नाउ थर्ड वजाइना इज ट्यूलिप। ये वाली जो वजाइना होती है आधे खिले हुए ट्यूलिप फूल जैसी होती है। इस वजाइना के भारी हिस्से तो थोड़े अलग से निकले हुए होते हैं, बल्कि अंदर का जो हिस्सा होता है वो भी थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ होता है। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि जिन फीमेल की जो वजाइना ट्यूलिप आकार की होती है वो सबसे ज्यादा उनका संवेदनशील अंग होता है, और किसी मेल की उस वजाइना को टच करती हुए एक्साइटमेंट से बहुत ज्यादा भर जाती है कंपैरिजन ऑफ अदर फीमेल, क्योंकि ये उसका सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है। नाउ फोर्थ वजाइना इज हॉर्स ऑय। ये जो वजाइना होती है ये घोड़े की नाल जैसी होती है, देखने में तो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती लेकिन संकरी होती है, और इसके संकरी होने की वजह से इसके ऊपर जो बढ़ती हुई उम्र का असर है वो धीरे धीरे होता है, मतलब टाइटनेस धीरे धीरे खत्म होती है, एकदम से इसके ऊपर असर नहीं होता, लंबी रेस की घोड़ा होती है, नाम भी तो हॉर्स शॉय है। नाउ लास्ट एंड फिफ्थ वजाइना इज मिस पफ। ये जो वजाइना होती है बिल्कुल होठों के आकार जैसी होती है, आप इसे कह लो कि संतरे की फांक जैसे आधे कटे हुए होते हैं, बिल्कुल वैसी वजाइना होती है। मिस पफ वजाइना दिखने में तो बिल्कुल मिस बार्बी जैसी होती है लेकिन इसकी जो विशेषता है वो काफी हद तक मिस हॉर्स शो से मैच करती है, क्योंकि ये संकरी होती है, लंबी रेस का घोड़ा होती है। संकरी होने की वजह से इसकी भी जो मजबूती है वो बनी रहती है, जो टाइटनेस है वो एकदम से खत्म नहीं होती, उम्र का असर इसके ऊपर धीरे धीरे होता है और लंबे टाइम तक ये टाइट रहती है, अपने पार्टनर को लंबे टाइम तक ये टाइटनेस का मजा दे सकती है। देखिए, मैंने आपको 5 तरह की वजाइना के बारे में बताया, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया, इन्हें फील करने में ये चाहे जितनी मर्जी गुदगुदी, गीली गीली और मुलायम क्यों ना लगे, देखने में इतनी नाजुक क्यों ना लगे, लेकिन एक्चुअल में ये इतनी नाजुक होती नहीं है, बल्कि ये बहुत मजबूत होती है, अंदर का स्ट्रक्चर इसका बहुत मजबूत होता है। जब कोई मेल किसी फीमेल की वजाइना में प्रवेश करता है, अपने लिंग को प्रवेश करता है, तो इससे उस लिंग को पकड़ने की उसके अंदर क्षमता भरपूर होती है, एकदम झकड़ लेती है। हो सकता है आप में से किसी ने ये चीज को महसूस भी किया हो, जब वो सेक्स कर रहा हो अपने पार्टनर के साथ, इन आउट वाला गेम खेल रहा हो, तो कभी ऐसा मोमेंट आया हो कि आपको ऐसा लगा कि यार किसी ने मुझे अंदर पकड़ लिया, मुझे कोई खींच रहा है अंदर की तरफ। और अगर कोई फीमेल अपनी इस अस्थि विहीन अंग की क्षमता को पहचान ले तो वो किसी मेल के पीनस को फ्रैक्चर तक कर सकती है, लेकिन ज्यादातर फीमेल को इस चीज का ज्ञान नहीं, और जिनको ज्ञान हो भी जाए तो वो अपनी इस क्षमता को बनाए रखना, इसकी मजबूती पे काम करना, इसकी स्ट्रेंथन को डेवलप करना, ये इतना आसान नहीं, वो
वो भी आजकल के माहौल को देखते हुए जब लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब हो चुका है, बॉडी में जान ही है, दो बच्चे पैदा कर लो तो मरले में जान ही नहीं है ना, खाना मिलावटी, लाइफस्टाइल खराब हो चुका है, ड्रिंक वो करती हैं। अगर आदमी उलझुल चीजों में लगे हुए तो औरत कहाँ पीछे है, उसे भी हुक्का मारना है, उसे भी जाके क्लबिंग करनी है, सब चीजें करनी है, तो कहाँ से आएगी वो चीज। चलो मैं कहाँ आ गई, इस तरह की विशेष जानकारी लेने के लिए थोड़ी ना आप मेरी वीडियोस को देखते हो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ, जो ज्यादातर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जो फीमेल वजाइना है क्या वो भी इरेक्ट होती है, उसके अंदर भी इरेक्शन आता है। तो जी बिल्कुल इरेक्शन आता है, जैसे किसी मेल के पीनस में जब इरेक्शन आता है तो वो तन के खड़ा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही फीमेल वजाइना में भी इरेक्शन होता है। और जब वो इरेक्शन होता है तो उसका जो क्लिटोरिस, जिसे फीमेल पीनस भी बोला जाता है, वो हार्ड हो जाता है, स्वेल हो जाता है, और वो जो अंग है बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी उसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं कि छुओ तो करंट लगता है किसी फीमेल में। सेम टाइम में अराउजल बढ़ने के दौरान ब्लड फ्लो बढ़ता है वजाइनल एरिया में, उसका जो वजाइना का जो कलर है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। किसी का पर्पल ब्लू हो जाएगा, किसी का डार्क ब्राउन हो जाएगा, किसी का लाइट ब्राउन हो जाएगा। वो डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल कि उसकी बॉडी का कलर कैसा है। जैसा बॉडी का कलर होगा उससे थोड़ा बहुत डार्क उसका वजाइना का एरिया हो जाएगा। मैंने जो आपको पांच तरह की वजाइना बताया, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया, सभी ब्यूटीफुल है और सभी की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो क्या कि हर वजाइना टाइम के बाद एक टाइम आएगा कि वो ढीली होगी, कि कोई कम होगी तो कोई ज्यादा होगी, लेकिन ढीली सब होगी, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो इस सच्चाई से आप भाग नहीं सकते, ना फीमेल भाग सकती है और ना ही मेल भाग सकता है। एक औरत को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हाँ मेरी वजाइना पहले ऐसी टाइट नहीं रही, लेकिन एक्सेप्ट करने के साथ उसे इसके ऊपर काम भी करना जरूरी है, क्योंकि आप अपने टाइटनेस को वापस ला सकते हो। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होती है, इसको जितना चाहो आप खोल भी सकते हो और इसे टाइट भी कर सकते हो। हाँ वो कवारी कन्या जैसी तो नहीं हो पाएगी कि आपने वहां से दो बच्चे निकाले हैं, इतना टाइट तो बिल्कुल किया जा सकता है कि आपको भी मजा आए और आपके पार्टनर को भी आप उतना ही मजा दे पाओ, ये पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी डाइट पे फोकस करना होगा, एक्सरसाइज पे फोकस करना होगा, पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज करनी होगी और रेगुलरिटी के साथ करना होगा, तभी ये चीजें पॉसिबल। और अगर आपने ठान लिया है कि मुझे अपनी वजाइना की टाइटनेस पे काम करना ही है, तो शुरुआत में हो सकता है आपको सेक्स पे भी रोक लगानी पड़े, या तो 15 दिन में एक बार सेक्स या फिर महीने में एक बार सेक्स। लोग तो 6-6 महीना नहीं करते, ऐसे भी लोग हैं जो मतलब कि पूरा अपने वजाइना की टाइटनेस पर फोकस करते हैं और 6 महीने तक सेक्स नहीं करते, या करना नहीं है, बिल्कुल टाइटनेस पे काम करना है, अपने एक्सरसाइज करनी है, पूरी फिटनेस पे काम करते हैं और अपनी वजाइनल एरिया की अपनी टाइटनेस पर भी काम करते हैं, 6-6 महीना एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि रेगुलरिटी में आ गई है ना, वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप उस वक्त अपनी जो सेक्स की जो फ्रिक्वेंसी वो बढ़ा सकते हैं कि हाँ महीने में 4 बार कर लिया, लेकिन 4 बार किया तो एक्सरसाइज भी 1-1 घंटा करी, तो आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखने वाले हो, छोड़ने वाले तो नहीं हो ना, वरना फिर हो जाएगी ढीली। तो इस चीज को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, मुश्किल है, असंभव नहीं है। तो मैंने आपको 5 तरह की वजाइनों की विशेषताओं के बारे में बताया और आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी दी वजाइना से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।